subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. निम की मुखिया में वाह वाह क्या हो रहा है, जहां निम की एक के बाद एक ऐसे तमाशे शुरू कर रही है, हवेली वालों को अपनी नीतियां दिखाने की कोशिश कर रही है, उनकी अपनी जगह दिखाने की कोशिश कर रही है। दरअसल रैली की तैयारी हो चुकी है और स्पीच की भी, जहां ऋतुराज का घिनौना चेहरा अनारो देवी भी पहचान लेती है। जहाँ अनारो, ऋतुराज और तेतर सिंह तीनों की प्लान हो चुकी है रेडी और तीनों मिलकर महुआ के द्वारा निमकी को इंसल्ट करना चाहते हैं, वो भी गांव के सामने। तभी स्पीच का वक्त आता है, जहाँ स्पीच में तेतर सिंह अपने ही बेटे बब्बू को कह देता है कि बहुत बड़ा वो निठल्ला निकारा इंसान है, यहाँ तक कि निमकी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी मेरे बेटे बब्बू ने ही की थी। जहाँ वो अपने बेटे को बहुत कड़वा बोलता है। वहीं जब स्वीटी की बात आएगी, जहां स्वीटी को कहा जाएगा अपने पिता के बारे में बोलने के लिए, जिससे स्वीटी बोलने वाली है कुछ ऐसा कि तेतर सिंह और ऋतुराज के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि स्वीटी कहने वाली है कि ऋतुराज और तेतर सिंह जेल में ही अच्छा है, इन्हें यहां रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जहाँ वो बेल्ट निकालेगी और मारना शुरू कर देगी, वहीं हो जाएगी हमारी निमकी की धमाकेदार एंट्री, जहाँ निमकी ऋतुराज को टोंट कस के दिखा देगी उसकी असली जगह। तो आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।